मॉर्निंग। आज मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी और अगर आपको उन प्रश्नों का उत्तर पता है तो आप सभी एक एक करके उनका उत्तर देंगे। सामूहिक रूप से कोई भी उत्तर नहीं देगा। जी, हम अपना बदन ढकने के लिए क्या पहनते हैं? मैम, कपड़े पहनते हैं। और वो कपड़े किन चीजों से बने होते हैं? सूत से बने होते हैं। जी, वो कपड़े सूत या धागों से बने होते हैं। जब धागों से कपड़े बनाए जाते हैं किसी मिल में तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हम उस प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। वेरी गुड। हम उस प्रक्रिया को या सूत से या धागों से कपड़े बनाने की प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। उत्पादन करने के लिए कई साधनों का होना आवश्यक है, इसलिए आज की कक्षा में हम उत्पादन के साधनों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसे प्लास्टिक, जी धातु, हाँ प्लास्टिक धातु हो गई, और उसको बनाने के लिए किन लोगों की आवश्यकता होती है? मजदूरों की। मजदूरों की, ठीक है। तो उत्पादन के साधन होते क्या हैं? उत्पादन के साधन वो साधन होते हैं या वो सुविधाएं होती हैं जिनका प्रयोग करके हम किसी और चीज का उत्पादन करते हैं या धन का उत्पादन करते हैं, उन्हें हम उत्पादन के साधन कहते हैं। उत्पादन के साधन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन सभी उत्पादन के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भूमि। अब मुझे बताइए, उत्पादन के साधन किन्हें कहते हैं? उत्पादन के साधन किसे कहते हैं? जी, उत्पादन के साधन किसे कहते हैं? उत्पादन साधन में जो चीजें हमें प्रयोग करनी होती हैं, जी, उसे कहते हैं। सेवाओं को या उन साधनों को हम उत्पादन के साधन कहते हैं जिनका प्रयोग करके हम कोई नई चीज का उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन के साधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पादन के साधन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। आम बोलचाल की भाषा में भूमि का मतलब होता है धरती की ऊपरी सतह, परंतु अर्थशास्त्र की भाषा में भूमि का अर्थ सिर्फ धरती की ऊपरी सतह ही नहीं होता। धरती का अर्थ या भूमि का अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त हुए हैं, वो सभी भूमि के अंदर आते हैं। सारे प्राकृतिक संसाधन ठीक है, क्लास आपको समझ में आ गया? जी। तो अब बताइए, आम बोलचाल की भाषा में भूमि को क्या कहते हैं या भूमि का क्या मतलब होता है? भूमि ऐसी चीज है, धरती है, जो कि वो उसमें सम हमें उत्पादन कोई चीज हम बोए तो वो हमें प्राप्त होती है। आम बोलचाल की भाषा में भूमि का अर्थ होता है धरती की ऊपरी सतह। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे श्रम के बारे में। तो श्रम क्या होता है? श्रम का अर्थ मतलब होता है लेबर। लेबर मतलब वर्क फोर्स, जो इंसान, जो आदमी, जो ह्यूमंस हमें चाहिए होते हैं उत्पादन के कार्यों को करने के लिए, मशीनों को संचालित करने के लिए या किसी चीज को बनाने के लिए, वो वर्क फोर्स या ह्यूमन फोर्स श्रम में आती है। ठीक है, तो अब हमें बताइए श्रम किसे कहते हैं? मेहनत। मेहनत, जो आदमी, जो ह्यूमन फोर्स मेहनत करती है उत्पादन के कार्य में, उसे हम श्रम कहते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है पूंजी।
पूंजी वह धन है जिसका प्रयोग करके हम और धन का उत्पादन करते हैं या और धन अर्जित करते हैं, उस धन को हम पूंजी कहते हैं। तो पूंजी किसे कहते हैं कक्षा? धन। धन वो धन जिसका उपयोग करके हम और धन का उत्पादन करते हैं। हमारा अगला उत्पादन का साधन है संगठन। संगठन को हम इंटरप्राइज भी कहते हैं। संगठन को हम इंटरप्राइज भी कहते हैं। संगठन या इंटरप्राइज का मतलब होता है एक कंपनी। एक कंपनी जो उत्पादन के साधनों को या उत्पादन की प्रक्रिया को गाइड करती है कि उत्पादन के साधन किस तरीके से यूज होंगे, किस तरीके से इस्तेमाल होंगे और किस चीज का उत्पादन कैसे किया जाएगा। ठीक है क्लास? तो आप संगठन से क्या समझते हैं? संगठन यानी समूह, लोगों का समूह। लोगों का समूह, वेरी गुड। उन लोगों का समूह जो उत्पादन के साधनों को या उत्पादन की प्रक्रिया को गाइड करते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा है साहस। तो साहस उत्पादन के कार्य में बहुत जोखिम होता है, तो जो व्यक्ति उस जोखिम को उठाता है उसे हम साहसी व्यक्ति या मालिक कहते हैं। वो अपना पैसा लगाते हैं और उसमें बहुत जरूरी नहीं है कि हर बार उनको लाभ या प्रॉफिट हो, तो इसके लिए उनके अंदर साहस या जोखिम उठाने की शक्ति होनी चाहिए। ऐसे इंसानों को हम मालिक या साहसी व्यक्ति कहते हैं और जोखिम उठाने की प्रक्रिया के लिए जो चाहिए होता है उसे हम साहस कहते हैं। आप सभी को समझ में आ गया? जी समझ आ गया। वेरी गुड। आप सभी ये चीजें अपनी कॉपी में कॉपी करेंगे। ये डेफिनेशन, ये उत्पादन के साधनों की डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और ये चार्ट भी बनाएंगे। क्लास आप लोग बनाना शुरू कर दीजिए। आप लोगों ने बना लिया? जी। अब हम कुछ प्रश्न पूछेंगे आपसे आपकी पुनरावृत्ति के लिए, आपके रिवीजन के लिए। आप बोलचाल की भाषा में भूमि को धरती कहते हैं? ये सही है कथन की गलत? ठीक है, ये कथन सही है। जी। क्या उत्पादन के साधनों में हमारा धन भी आता है? धन पैदा किया जाता है। जी, धन वो धन जिससे हम दूसरा धन उपजित करते हैं, इसलिए अर्जित किया जाता है। धन भी हमारा उत्पादन का साधन है, तो ये कथन सही है। क्या भूमि एक उत्पादन का साधन नहीं है? है, तो ये कथन गलत है। क्या श्रम उत्पादन के साधनों में से नहीं आता? हाँ आता है, श्रम किया जाता है। वेरी गुड। तो श्रम भी एक उत्पादन का साधन है। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया उत्पादन के साधनों के बारे में? जी। तो अब मैं आप सभी को कुछ होमवर्क दूंगी। गृह कार्य करना है। ये गृह कार्य आप सभी अपनी कॉपियों में लिखिए। आपको तो गृह कार्य में दो प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है उत्पादन के साधन की परिभाषा लिखें। दूसरा प्रश्न है उत्पादन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको सारे प्रकार के बारे में बताना है। ठीक है क्लास? जी। धन्यवाद।